कैसे बोलूं यार, जो गलती हमने करी ना वो गलती मत करना आप। हाँ जी, तो जी आपका स्वागत है मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा, दिल्ली से मैं कटरा कैसे आया, तो आप मेरा फर्स्ट एपिसोड देख लेना। ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे मेरे पहले एपिसोड पे। तो हाँ जी, ये रहा जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये रहा रेलवे स्टेशन जहाँ से मैं आ रहा हूँ। और अभी हमारे सामने सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि हम दोनों की सिम, जब से हम जम्मू में हमने एंटर किया ट्रेन से, हम दोनों की सिम हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने बात करी है, लोकल सिम लेते हैं, उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। पहले सिम लेने जाता हूँ। हमने यहाँ पे आके लोकल सिम ले ली है। सिम के प्राइस नीचे आपके यहाँ पे आ रहे होंगे कि सिम हमने कितने के ली लोकल सिम। और हाँ, मैं आपको सिम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ब्रीफ दे देता हूँ। अगर आपकी प्रीपेड सिम है तो आपके नेटवर्क नहीं आने वाले, कोई सी भी कंपनी की सिम हो आपकी। अगर आपकी पोस्टपेड सिम है तो कोई सी भी कंपनी की आपकी सिम होगी, आपको इजीली एक्सेस आप कर सकते हो कटरा में आके और जम्मू में भी। यहाँ से लोकल सिम लोगे तो आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल वोटर आईडी या लाइसेंस लाना पड़ेगा, उसकी ये फोटो खींचेंगे, उसके बाद ही दे पाएंगे। अदरवाइज अगर आप कहोगे मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ को इनको, मतलब कि लाइसेंस, तो ये नहीं मानेंगे। तो इसलिए आप ओरिजिनल लाना, जो भी अपने पेपर लाओगे अगर आपको सिम लेनी है यहाँ से, अगर आपकी प्रीपेड सिम है तो। यहाँ से हम सिम ले रहे हैं, वो मनन उधर से पेपर वर्क कर रहा है, और इधर से मैं स्टोर से जाके टूथपेस्ट टूथब्रश वगैरह ले लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। चलिए, 3 to 4 किलोमीटर है मेन एंट्रेंस रेलवे स्टेशन से वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। तो जी हम पैदल ही चल पड़े हैं। अगर गट्स हो तो पैदल चलो, नहीं तो ऑटो पकड़ लो। हाँ, ये बात तो सही बोली। तो हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं। आप जो ये वाला रास्ता देख रहे हो, ये जा रहा है नया रास्ता, और जो इधर की साइड जो रास्ता जा रहा है ये है पुराना वाला रास्ता। हम चढ़ाई जो करेंगे वो पुराने वाले रास्ते से करेंगे, और जब हम उतरेंगे तो नए वाले रास्ते से करेंगे, जिससे आपको मैं दोनों रास्ते दिखा दूंगा, कौन सा रास्ता आपको अच्छा लगे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए आप उस हिसाब से आ सकते हो। तो आओ जी, अब हम चलते हैं पुराने वाले रास्ते से। चलो, हमने ऑनलाइन ही अपना पास बनवा लिया था। अगर आपको ऑनलाइन नहीं पास बन सकता तो मैं आपको एक टाइम लैप डाल देता हूँ वीडियो में, उसमें देख लेना आप इसी वीडियो में, इसी एपिसोड में। और अदरवाइज़ आप रेलवे स्टेशन से भी ले सकते हो पास, और नहीं तो अदरवाइज़ जो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर हो गया या होटल वाले हो गए, वो भी आपका पास बनवा के दे देंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है जो पास होता है। चलिए चलते हैं हम मेन गेट से अंदर, स्टार्ट करते हैं अपना वैष्णो देवी की ट्रैकिंग। ये जो आप सुंदर द्वार देख रहे हो, इसका मतलब है यहाँ से माता रानी की चढ़ाई शुरू होती है भवन को जाने के लिए। ये अंदर जाने की लाइन है। अंदर जाते समय आपको बैग चेक कराना होगा और अपना पास दिखाना होगा अंदर जाने के लिए। इस प्रोसीजर में आपको 10-20 मिनट लग जाएंगे। पहले तो जय माता दी, और हम पूरे फ्रेश हो चुके हैं दोनों के दोनों। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल। वैष्णो देवी माता की चढ़ाई जब आप शुरू करते हो तो सबसे पहले आपके रास्ते में आता है बाणगंगा, फिर उसके बाद अतकुआरी, फिर सांझी छत, एंड देन भवन। भवन के बाद आता है भैरव बाबा का मंदिर, और ये सब फैला हुआ है 14 किलोमीटर में। यह है वैष्णो देवी का डिटेल। तो हमें 14 किलोमीटर जो है पैदल जाना पड़ेगा। अगर आप 14 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते, सेवा मिल जाएगी, जैसे घोड़े हो गए, या अगर आपको बैग वगैरह भी रखवाना है तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा इजीली कोई कुली वगैरह जो आपका ऊपर तक बैग ले जाएगा। अभी 9 बज रहे हैं, 1 बजे तक हमारा फोकस है कि आधा रास्ता हो जाए पूरा। आपको माता रानी के भवन तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको खाने की और बैठने की सुविधा पुराने वाले रास्ते पर इजीली मिल जाएगी। तो जी थोड़ा दूर आके नींबू पानी का सेवन किया जा रहा है। कैसा लग रहा है भाई नींबू पानी इस टाइम, इस हालत में कैसा लग रहा है? इस हालत में विटामिन सी की जरूरत ज़्यादा होती है, इसलिए लेना चाहिए। देखो हालत ऐसी हो गई है, बेचारा जो इतना चीख चीख के बोल रहा था ना, उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। चलो नींबू पानी पीते हैं, फिर उसके बाद वापस निकलते हैं आगे रास्ते पर। हमने सीढ़ियाँ पकड़ लिया, लास्ट 150 प्लस सीढ़ियाँ हैं ये, और वहाँ सामने जो आप देख रहे हो वो वाइट, वो है अतकुआरी।
अगर आपको समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ। वो देख रहे हो जहाँ पे मेरी पॉइंट है उंगली, वो है जहाँ से माता का द्वार शुरू हुआ था जब हमने चेकिंग वगैरह कराई थी। ये पूरा रास्ता चलते हुए आ रहे हैं और उधर की साइड वो कटरा शहर उधर की साइड। चलो ये सामने बैठा हुआ है, थक गए भी। हाँ भाई जय माता दी, जय माता दी। जैसे इतनी नीचे से यहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ भी पहुँच ही जाएंगे। चलो जी चलते हैं, जय माता जी। तो जी फाइनली हम अतक्वारी आ चुके हैं और अतक्वारी में हमने प्रवेश कर लिया है। अतक्वारी में आपको खाने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा, वैसे तो आपको पूरे रास्ते में खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा, बट हम जैसे कि हम वैष्णो देवी में आते हैं ना, तो अतक्वारी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आके हम रेस्ट करते हैं थोड़ा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, ये जो सामने देख रहे हो ना सफ़ेद वाला मंदिर, ये है अतक्वारी वाला मंदिर, अतक्वारी का मंदिर है ये। और उसके पीछे जो जा रहा है ना पूरा, वो है भवन के लिए जा रहा है, माता के भवन के लिए, जो कि 2-2.5 घंटे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी रफ्तार के ऊपर है कितनी देर जल्दी आप पहुँच सकते हो, कितने आराम से आप पहुँच सकते हो। देखो कितना धुंध है यहाँ पे ना, मौसम बार बार चेंज होता जाता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए थे तो बरसात हो रही थी, उसके बाद अब वापस थोड़ा साफ़ हो चुका है मौसम, क्लाउड साफ़ हो चुके हैं। और देखो वहाँ देखो पूरा कटरा शहर, पूरा कितना सुंदर दिख रहा है नज़ारा यहाँ से। इतना कुछ है खाने को, अभी समझ में नहीं आ रहा किससे स्टार्ट करें। तो मैं सोच रहा हूँ पहले स्नैक्स से स्टार्ट करते हैं, ब्रेड पकोड़े से ही, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है तो मतलब बारिश के मज़े लेते हुए छोले भटूरे और ब्रेड पकोड़े खाए जा रहे हैं। सामने वहाँ पे भवन है, अभी पूरा बादल में छुपा हुआ है, हम भी वैसे अब बादलों के बीच में ही हैं जहाँ खाना खा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो देखें और आप भी इंजॉय करें, हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। चलो जी। तो जी अतक्वारी के वहाँ पे भी मंदिर है, पर उसके लिए हमें टोकन लेना पड़ता है। आंटी मिली थी हमें एक, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ना टोकन ना अभी ले लो, वो अगर अभी लोगे ना कल तक तो आ ही जाएगा आपका जो टोकन नंबर है। और जब अगर आपका टोकन नंबर आया था ना, तो आप अपने बैग वगैरह ना क्लॉक रूम में रख सकते हो ईजीली। अभी हम गए थे तो अभी बिना नंबर आए तो हम रख नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि मंदिर के अंदर हम बिना फ़ोन, बिना मोबाइल, बिना कैमरा और बिना बैग के जाना होता है हमें मंदिर के अंदर, इसलिए क्लॉक रूम में वो सारा का सारा सामान रखवा देते हैं। तो चलो अब मैंने फिर वो क्लॉक रूम में जो अंकल थे लॉक रूम वाले, मैंने उनसे पूछा कि अगर हमारा नंबर चला गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ऊपर भवन, तो हम नहीं जानते कि कितनी देर लगेगी हमें नीचे आने में। तो अंकल ने बोला रात को 2 बजे तक भी आओगे तो चलेगा, अगर नंबर निकल भी गया तो कुछ नहीं होता, और ज़्यादा अच्छा होगा सुबह 6 बजे तक आ जाना, आपको खुले दर्शन मिल जाएंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम निकल रहे हैं सीधा भवन, उसके बाद ही देखते हैं अब आगे का क्या करते हैं। और अभी मनन पता करने गया है कि यहाँ पे अगर हमें भवन में रूम मिल जाए रात को रुकने के लिए तो और बढ़िया हो जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ रूम का? अरे वो बोल रहा है शाम को 6 बजे पता करना। अगर हमें ऊपर रूम नहीं मिलता तो हम रात के 12 बजे आएंगे नीचे रूम पता करने, क्योंकि रात को हमें कहीं ना कहीं तो रुकने के लिए जगह चाहिए जैसे तैसे। पर ये अतक्वारी के बाद अब पूरा रास्ता खाली हो चुका है, हम लोगों ने एक गलती कर दी, एक ना रास्ता साफ रास्ता निकलता है अतक्वारी की साइड से ही, तो वो मिस हो गया वही पर्ची वगैरह के चक्कर में, टोकन लेने के चक्कर में। तो अब हम वो जहाँ से घोड़े जाते हैं ऊपर की साइड भवन की साइड, तो वो वाले रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि नीचे जाने की कोई हिम्मत नहीं है, वो भी इतने भारी भारी बैग लेके, क्योंकि हमने तो सोचा था कि अतक्वारी में लॉकर रूम मिलेगा वहाँ बैग रख देंगे, पर वो मैंने आपको बता दिया क्या हुआ, जब टोकन आएगा जब भी बैग रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो चलो फिर, पर यह थोड़ा रास्ता साफ हो गया, लोगों की भीड़ आ जाती ज़्यादा वहाँ निकल गई, जो खाली रास्ता रहता है ई रिक्शा वाला जहाँ पे घोड़े ही चलते, तो हमें अब खाली रास्ता मिल रहा है पूरा, ये अच्छी चीज़ हुई है बस। चलो लास्ट टाइम में उधर वाले रूट से आया था यार साहब, जिस पे घोड़े वोड़े नहीं चलते हैं। तो मैं वो उससे उसी से आते जाता हूँ हमेशा, उससे पता जल्दी पहुँच गए थे, वो रास्ता भी सीधा है, ये खड़ी चढ़ाई है इसकी। हाँ यार वही वो पता नहीं रास्ता पता नहीं कहाँ हो गया इस बार, पता नहीं यार, नीचे उतरते उससे आएंगे तुम्हारी हालत बैठ जाएगी नहीं तो इससे। तो जी
अब आपको विश्लेषण मनी तो जी आपको अब एक्सपर्ट बताएगा हमारा कि उसको कैसा फील हो रहा है। वैसे हम जहाँ बैठे हैं वो बड़ी अच्छी लोकेशन है, देखो हम पाइप पे बैठे हुए हैं। हाँ भाई बता कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, पैरों में बड़ा प्यार दर्द हो रहा है। मज़ा आ रहा है क्या पैरों में? अरे बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा देखा, अगर आपके अंदर ना एक वो हो, क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी हो, तो आपको ना दर्द भी ना ऐसा लगता है, आप ना दर्द को दर्द नहीं बोलोगे, आप दर्द को बोलोगे बहुत प्यारा दर्द हो रहा है। वो इसके साथ हो रहा है अभी, पॉजिटिविटी बंदे के पूरी भरी हुई है। और फाइनली बारिश में भीगने का सौभाग्य मिल गया मुझे भी, और सौभाग्य का मेरा रिएक्शन आप देख ही रहोगे कि मैं कितना खुश हूँ। अब अंदर बहुत बढ़िया है कि उंगली ना करो ना तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अगर वैसे भी कोई भी जानवर को उंगली करोगे तो वो तुम्हें कहेगा ही बहुत कुछ। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं सांझी छत, और सांझी छत पर है हेलीपैड जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे। हेलीपैड से उतरने के बाद आपके लिए भवन के लिए रास्ता रह जाता है कुल 2.5 किलोमीटर दूर। अगर पुराने वाले रास्ते से आओगे तो आपको रास्ते में प्रसाद घर भी मिलेगा, जहाँ पे आप जाके प्रसाद खा सकते हो, और बहुत टेस्टी प्रसाद है। ऊपर आते आते एक जगह मुझे एक पॉइंट पे काफ़ी अच्छा व्यू दिखा, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। देखो आप, मतलब जो माउंटेन्स के साथ क्लाउड जो हैं वो जा रहे हैं और क्लाउड्स थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, बहुत सुंदर है। जो मनन है वो यहाँ पे वॉलपेपर शूट कर रहा है, वॉलपेपर के लिए फ़ोटो शूट कर रहा है। सर्दी में पूरा रास्ता बर्फ़ में जाम हो जाता है, हर तरफ स्नो पड़ी होती है यहाँ पर। हाँ जी जय माता दी, जय माता दी। ये जो आप आरती की आवाज़ सुन रहे हो ना, ये भवन में हो रही है। बस अब हम भवन पहुँचने वाले हैं। सर हम लोग जब पुराने रास्ते से आ रहे थे तो माता रानी ने क्या करा, पहले उन्होंने बारिश करा दी, तो हमने सोचा हम प्रसाद खा ले रहे हैं, प्रसाद खाते खाते बारिश भी रुक गई। हाँ तो एक तीर से दो निशाने लगे। हाँ जो मतलब ना नीचे तक मैं कह रहा था कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता, डट के सामने करेंगे, बट सही बताऊँ जो भी माता रानी ने किया ना उसके द्वारा हमारा जो बात का आगे का मौसम हो गया वो बहुत कमाल हो गया। तो फाइनली हम माता के भवन तक आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं लॉकर रूम में अपना सामान रखने सारा, क्योंकि मंदिर के अंदर सामान नहीं ले जा सकते। ये जो आप देख रहे हो रोप वे, ये भैरव बाबा के मंदिर आती जाती है। तो जी हमने खूब जल्दी मचाई, उसके बाद भी हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है वो 5:15 का था रोप वे का टिकट लेने का। और अब हम सोच रहे हैं कि अब हम सुबह ही जाएंगे, तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। मैं सोच रहा हूं कि अब हमें निकलना चाहिए, फिर माता के भवन में जाना चाहिए, क्योंकि अब हम रेडी तो है ही, और अब ये तो सुबह ही हो पाएगा, तो अब क्या कर सकते हैं। फाइनली हमने पता क्या डिसाइड किया, जो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो ये है कि अब रोप बंद है तो हम पैदल जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर तक, फिर नीचे आएंगे, फिर माता के भवन में जाएंगे, फिर नीचे 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 नीचे। चलो यहीं से आप माता के भवन के दर्शन कर लो, उसके बाद तो रात हो जाएगी। अगर कायदे से देखा जाए जब भी आप वैष्णो देवी आओ तो पहले आप माता के भवन में जाके जय करना, फिर आप भैरव बाबा के मंदिर जाना। परंतु हमें ऐसा लगा कि अगर हम माता के भवन में जय करके आ जाएंगे फिर रात को हो जाएगी काफ़ी अंधेरा, और हमें भैरव बाबा का जो रास्ता आज तक हमने सुना था तो हमें पता था कि जो भैरव बाबा का रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए हमने सोचा पहले भैरव बाबा के जय करके आए थे, फिर उसके बाद माता के भवन में आके पूजा करेंगे, फिर नीचे उतर जाएंगे।
हम पागलपने पे पागलपना करे जा रहे हैं। अब हमने पकड़ ली एक ऐसी सीढ़ी जिसका पता नहीं। वन मोर थिंग इन स्टेयर्स। हाँ, पर एक और चीज़ है जो एक हवा फैलाया हुआ है ना कि जो भैरव बाबा है उनका रास्ता ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, बैंक लाइन ज़्यादा है और कुछ नहीं है, पर यह सीढ़ियाँ पकड़ोगे ना तो एक ही लाइन बोलोगे वेयर इज़ द टेम्पल, क्योंकि सीढ़ियों के आगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लास्ट सीढ़ी जो है वो वाली नहीं थी, ये वाली है लास्ट सीढ़ी। ये देखो ऊपर लिखा हुआ 500 सीढ़ियाँ। तो अभी वाली सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और भैरव बाबा जी को जय करते हैं। चलो, जो गलती हमने करी ना वो गलती मत करना आप। आपको जल्दी बताऊंगा क्या गलती करी हमने। भैरव मंदिर आ गया बस ऊपर ही है। भैरव मंदिर की जो टाइमिंग है वो है 7 बजे बंद हो जाता है शाम को, और फिर 8:30 बजे वापस खुलता है मंदिर। मंदिर खुलने में बस 10 मिनट रह गए हैं, और उसके बाद बताऊंगा मंदिर में जय करने के बाद कि हमने क्या गलती करी जो आप मत करना प्लीज़। चलो आओ पहले जय कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है भैरव बाबा का भव्य मंदिर। यह मंदिर भी 24 घंटे खुलता है माता रानी के भवन की तरह ही, बस आरती का समय होता है, और लकीली हमें बाबा की आरती मिलने का सौभाग्य मिला। दरबार की जय। पहले सबसे पहले जय माता दी। अभी हम भैरव बाबा के मंदिर से होके आ रहे हैं, दर्शन आराम से मिल गए, और अब हम जा रहे हैं नीचे माता जी के भवन में माता जी के दर्शन लेने। पर रोपवे से प्रॉब्लम ये हो गई थी कि रोपवे का हो गया था टाइम ख़त्म, तो फिर हमने सोचा कि भाई अब सुबह कौन आएगा वापस यहाँ पे, 7:15 पे स्टार्ट होगी रोपवे, तो हमने सोचा कि अब हम ना यहाँ से भैरव बाबा के मंदिर से हम नीचे चले जाएंगे अतकुआरी तक, भवन करने के बाद सीधा अतकुआरी तक। तो गलती हमसे ये हो गई जो मैंने आपको बोला था कि वीडियो में हमसे गलती हो गई, वो ये है कि ना अगर हम भवन करके आते और उसके बाद हम यहाँ पे भैरव बाबा के करते दर्शन, तो भैरव बाबा के वहीं से ना रास्ता निकल रहा है सीधा जो अतकुआरी को जा रहे हैं। बट अब हमें नीचे जाना पड़ेगा दर्शन करने के बाद, उसके बाद हमें अतकुआरी जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा घूमना पड़ जाएगा, बट ज़्यादा फर्क नहीं है रास्ते में। बट ये कि अब हमें जाते हुए थोड़ा अकेलापन सा लगेगा, क्योंकि अब जाने में यहाँ पे कोई भी नहीं, क्योंकि सारे उधर से निकल गए हैं। चलो कुछ नहीं होता, यही तो है। और हो सकता है हमें कोना पकड़ के सो भी जाएं। हाँ, हो सकता है कि हम एक कोना पकड़ के ना अतकुआरी के रास्ते पे सो भी जाएं। चलो चलो, जय माता दी, जय माता दी। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको फ्री की एडवाइस दूंगा, रात को कितनी भी लेट आना है भैरव बाबा के मंदिर या माता के मंदिर, आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होगा आपको। बट ध्यान रखना, जब आप भैरव बाबा के मंदिर में आ रहे हो ना रात के टाइम या दिन में भी, जो आप नीचे लाते हो ना प्रसाद, तो उसको ना छुपा के लाओ, क्योंकि ना जो बंदर है वो लाल वाला ना सीधा बैग देख के ना छीनने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमारे पास कोई बैग नहीं था, इसलिए बंदरों ने हमें तो छीनम छाटी नहीं करी, पर हमारे सामने ना कम से कम 7-8 केस ये हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको फ्री एडवाइस दे रहा हूँ, जिन लोगों को ये हो कि माता के भवन में उन्हें आरती लेनी है, तो उसके लिए उन्हें ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, या यहाँ पे आके 8 नंबर गेट है, वहाँ पे आके उनको बुक करना पड़ेगा। 2000 रुपये दे के आपको आरती में बैठने का मौका मिलेगा। और कभी कभार ना ऐसा होता है कि ना, मतलब कि जो पेड वाले लोग होते हैं वो मतलब कि इतने सारे नहीं होते, तो इसलिए ना स्पेस बच जाता है, तो ना जो फिर लाइन में लोग होते हैं उनमें से ही लेके बिठा दिया जाता है आरती में उन लोगों को। तो जो अगर आप सोचो कि आरती अगर आप फ्री में मिलेगी आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे आरती लेने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, भवन के अंदर। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है प्रसाद घर, यहाँ से आप माता रानी के भवन में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हो। मंदिर में आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, बेल्ट, वॉलेट, फ़ोन, कैमरा, एक्सेप्ट जो डंडा भी आप लेके चल रहे हो ना वो भी नहीं ले जा सकते हो मंदिर के अंदर, तो इसलिए सब कुछ आप रख देना। अब मैं लॉकर रूम में जा रहा हूँ ये दोनों चीज़ें रखने, क्योंकि भैरव मंदिर में आप ले जा सकते हो सारी चीज़ें, पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है वहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए अपना सब कुछ लॉकर रूम में रख देना जो भी सामान है, और वहाँ से फिर मैं सीधा निकल जाऊँगा यहाँ पे। आप यहीं से जय कर लो, मैं आपको लास्ट यहाँ तक ही दिखा सकता हूँ आपको माता का मंदिर, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ माता के मंदिर में जय करने। तो जी फाइनली मैंने माता के दर्शन कर लिए, अब थक तो नहीं बोल सकता, मतलब कि बॉडी पेन हो रहा है, और वैसे काफ़ी अच्छा लगा माता के मंदिर में जाके,
पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो बचपन में आके देखा था वही सेम वापस देखा। और जाते जाते बस यही बोलूँगा कि अभी अब कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं और अब रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक कुछ ठोस खाना अभी तक नहीं खाया कुछ भी, तो चलो कुछ खाना खाते हैं। भवन के पास में जितने भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं वह 24 आवर ओपन रहते हैं, तो आप कभी भी भोजन का सेवन कर सकते हो रेस्टोरेंट्स में आके। और जो रेस्टोरेंट का खाना है वह सारा बिना लहसुन और प्याज का होता है, प्योर वेजिटेरियन, जो खाना खाने में बहुत लजीज होता है। खाना खाने के बाद हमने भवन के पास में जितने भी गेस्ट हाउस हैं हमने वहाँ पे जाके पता किया, परंतु हमें रूम नहीं मिला। तो हमने सोचा कि हम धीरे धीरे नीचे उतरते हैं और अगर नींद लगेगी तो बेंच पर ही सो जाएंगे रास्ते के। यह देखो कितना सुंदर दृश्य है, पहाड़ों के बीच में लाइटें, देखकर कितना सुंदर लग रहा है। तो जी अब बज रहे रात के 3 और हम बॉडी को बिना एफर्ट दिए नीचे उतर रहे हैं। अभी कटरा 9 किलोमीटर नीचे है और हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, आराम से रुक रुक के चल रहे हैं, सो रहे हैं फिर चल रहे हैं, क्योंकि अब हमारी कौन सी ट्रेन भागे जा रही है। चलो जी बारिश के मज़े लिए जा रहे हैं कॉफ़ी के साथ, और वो सामने मनन भी हैं कॉफ़ी पी रहे हैं, हॉट कॉफ़ी पी रहे हैं अब, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है, कोल्ड पियेंगे तो गला ख़राब हो जाएगा। और नीचे उतरे जा रहे हैं अब डिक्लाइन में। चलो जी नीचे आके फिर बताऊंगा आपको कौन सा रास्ता ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, अभी कॉफ़ी के मज़े लेता हूँ। मनन मैंने कमेंट कि जब बादल के बीच में निकल रहे हैं भाई, जिंदगी में पहले सुना था। हाँ बादलों के बीच में प्लेन उड़ता है लेकिन हाँ। इंसान नहीं चल रहे हैं। ये देखो दिख रहा है सारी लाइटें, विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है लाइटों की, प्लस में से मजा आ रहा है जो भी है। ओ भाई साहब देखो यार कुछ दिख नहीं रहा, हाँ जी दोस्तों तो सुबह हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल यहाँ से व्यू जो सामने का है। और अब बज रहे हैं कुछ 6:10 और आरती हो रही होगी ऊपर, तो जो आप म्यूज़िक सुन रहे हो ये ऊपर की आरती का है, और मैं आपको दिखाता हूँ ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ से। तो हम वहाँ से ऊपर से आ रहे हैं और नए वाले रास्ते से आ रहे हैं। नए वाले रास्ते में हम पहली बार हमने देखा यहाँ पे लंगर हॉल भी है, यहाँ पे जाके हम लंगर खाने वाले हैं, आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में। तो चलते हैं अंदर और इसके आगे मैं आपको करूँगा नरेशन, क्योंकि मैं अंदर कुछ नहीं बोलूँगा, अंदर बहुत ज़्यादा शांति है, तो मैं नहीं चाहता कि शांति भंग हो। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं लंगर खाने। यहाँ पे हैंड वॉश करिए और सामने बहुत अमेजिंग दृश्य बनाया हुआ है, फाउंटेन वगैरह चल रहे हैं, उधर की साइड थोड़ा पार्क वगैरह बनाया हुआ है, और ये सीधा लंगर हॉल में जाने के लिए एंट्री है। लंगर हॉल अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और जो मैंने लंगर खाया वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगा। लंगर खाने के बाद आपको अपने बर्तन खुद ही धोने होते हैं, जो कि मुझे सबसे अच्छी बात लगी। सबसे पहले आपको बर्तन पानी में डुबोना होता है, उसके बाद जूने से साफ़ करना होता है, फिर उसके बाद केमिकल में एक और बार डुबाना होता है, फिर गर्म पानी से बर्तन को नहलाना होता है, और उसके बाद बर्तन को रैग में रख देना होता है। यही है सिंपल सा प्रोसीजर लंगर खाने के बाद। स्वादिष्ट भोजन कर लिया हमने, ब्रेकफास्ट कर लिया है, बहुत अमेजिंग था लंगर। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी यहाँ की, जो इतना अच्छा खासा सिस्टमेटिक वे से लंगर देते हैं लोग, तो वो सबसे बेस्ट है। और जो मतलब नए रास्ते से आएंगे ना उनको तो 1 किलोमीटर के बाद ही लंगर की सेवा प्राप्त हो जाएगी। हम तो आ रहे हैं ऊपर से, तो हमने पहली बार देखा ये हॉल, यहाँ पर लंगर हॉल भी है। तो अब चलो हम चलते हैं अपने आगे कटरा। ये हमारा थकान का मारा
इसने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी है इस टाइम। तो अगर हम काफ़ी विंटर वाले, काफ़ी क्या, थोड़े बहुत ही विंटर वाले कपड़े थे, हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। तो मैंने अपर पहना हुआ था और इसने फुल बाजू की टी शर्ट, तो जब तक हमने वो उतारी नहीं ना, हमें सांस नहीं आ रही थी। अब थोड़ी सांस आ रही है। वन मोर थिंग, जब भी आओ चारों मौसम के लिए कपड़े लेके आना, बारिश, गर्मी, सर्दी। मैं इसकी ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बात, ये जो चार बोल रहे हैं ना, वो खाली तीन ही है, ठीक है, तीन। कल 9 बजे से लेके आज 8 बजे तक हमने 28 किलोमीटर चल लिया है। एक प्राउड फील हो रहा है खुद में, क्योंकि कोरोना के बाद तो इतना वॉकिंग करना ही कम हो गया था, और इसकी वजह से ही ज़्यादा सांस फूल रही थी। कोरोना से पहले इतना नहीं होता था, बट अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। कोई नहीं, बॉडी रूटीन में आ गई कल से आज में। है वे मनन, आ गए ना रूटीन में बॉडी थोड़ी थोड़ी। एक अच्छी सी डीप स्लीप लेने के बाद एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ जी, तो बस मैं साइड में बैठ गया हूँ क्योंकि 100 मीटर रह गया बस रास्ता ख़त्म होने में, जो नया वाला रास्ता हमने लिया था। तो अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जब मैं एक्सपीरियंस करूँगा तभी बता पाऊँगा कि कौन सा रास्ता ज़्यादा बेटर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अपना पर्सनल भी बताऊँगा और आपको थोड़ा डिफरेंस, मतलब वो भी दे दूँगा, एग्जाम्पल भी दे दूँगा कि आपके लिए कौन सा रास्ता बढ़िया हो सकता है, अगर आप कनेक्ट कर सको उन एग्जाम्पलों से। तो अगर आप पुराने वाले रास्ते की बात करो, तो पुराना वाला जो रास्ता है, वहाँ की जो बुराई है वो ये है कि अगर आपको पसंद नहीं है घोड़ों के साथ चलना, घोड़े आगे जैसे धक्के वक्के मारते हुए जा रहे हैं और घोड़ों की फिर बदबू भी आती है बहुत ज़्यादा, तो मतलब कि आपको वो वाले रास्ते से नहीं आना, तो उस मामले में जो नया वाला रास्ता है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ कोई भी घोड़ा नहीं है, एक सिंगल घोड़ा नहीं है, आओ बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है, अपना सीधा सीधा बस जय माता दी बोलते हुए चलते जाओ ट्रैकिंग करते हुए। बट अगर दूसरी चीज़ में आते हो जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है कि स्टोर्स, और मतलब कि जैसे हो गया कि कनेक्टिविटी या लोग जो हैं हमारे साथ चल रहे हैं उनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं नए नए लोगों से, तो वो सारी चीज़ें पुराने रास्ते में हो सकती है। क्योंकि जो नया वाला रास्ता है ना, यहाँ पे तो हर 50 मीटर या 100 मीटर पे एक दो बंदा दिखता है बस खाली। और अगर हम वाले रास्ते की बात करें, पुराने वाले रास्ते की, वो तो हमारे साथ ही चल रहे होते हैं, तो नारे लगाते हुए चलते हैं हम लोग। तो इसलिए ना, जो हमारा मतलब बेसिकली ट्रैकिंग करने का जो होता है, भवन तक जाने का रास्ता होता है, वो पता नहीं चलता कब में बीत जाता है, इसलिए मुझे पुराना वाला रास्ता पसंद है। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा रास्ता पसंद है, नया वाला या पुराना वाला। बस मैं अपना जो ये वाला वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ, ये वाला जो एपिसोड है वैष्णो देवी का, सेकंड एपिसोड। अब थर्ड एपिसोड में जो मैं आपको दिखाऊंगा वो होगा, एक तो जो हमारा जो अब हम रूम लेंगे जाके, बस हम उतरने वाले हैं कटरा में जाके, हमें रूम लेना है। सबसे पहले रूम ढूंढना है, पहले तो लेना नहीं है, ढूंढना है पहले तो। फिर उसके बाद लोकल कटरा एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि वहाँ से अखरोट हो गया, जो भी फेमस चीज़ें होती हैं वो घर के लिए लेके जानी पड़ेगी, तो वो भी आपको दिखा दूंगा मैं, और उसके प्राइस भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो जाते जाते ये बोलूँगा बस खाली, जय माता दी, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, चलो सी यू।